All set to wrestle fam, my name is Sir and with this build, let's start this video. तो WWE ने एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया। नहीं नहीं, दिवाली नहीं मना रहे WWE वाले। एक बार फिर से WWE में हमें बंच ऑफ सुपरस्टार्स रिलीज होते हुए दिखे हैं, और मैंने काउंट तो नहीं किया लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये 18 सुपरस्टार्स हैं, और इनमें से काफी ऐसे सुपरस्टार्स के नाम है जो कि सरप्राइज करने वाले। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए जल्दी से मैं आपको इन सुपरस्टार्स की लिस्ट बताता हूं जो कि WWE ने रिलीज कर दी है ऑन November 4, 2021। तो ऐसी बात नहीं है, WWE के यहाँ भी दिवाली मनाई जाती है। ओके, तो ये नाम है स्कारलेट बॉर्डेक्स, फ्रैंकी मोनेट, फॉर्मर WWE NXT चैंपियन एम्बर मून, ऑनी लॉर्कन, बी फैब, जेसी कैमिया। अगर मैं किसी की प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूं तो माइंड मत करना क्योंकि कईयों को मैं भी नहीं जानता हूं। ज़ारा रमीर, ट्रे बैक्स्टर, कैटरीना कॉर्टेज, हमारे इंडियन WWE सुपरस्टार जो कि हमें लग रहा था WWE में काफी ज्यादा नाम बना सकते हैं आने वाले टाइम में, जीत रामा, उनको भी WWE ने रिलीज कर दिया है। ग्रैंड मेटालिक, लिंस डोराडो, कैरियन क्रॉस, जिनके लिए हमें लग रहा था कि WWE के पास काफी बड़े प्लान्स हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर कुछ वर्क कर रही है WWE, पता नहीं क्या क्या कर रही है, लेकिन WWE उनके रिलीज पे वर्क कर रही थी कि किस तरह इस बंदे को निकाला जाए। मतलब कमाल है, NXT पर काफी अच्छा रन देकर उन्हें मेन रोस्टर पर बुलाओ, कुछ फालतू के मैचेस करवाओ और बोलो कि टाटा बाय बाय अब आप जाओ, ये तो राइम कर गया। नेक्स्ट सुपरस्टार भी बहुत ही शॉकिंग नाम है, और वो नाम है कीथ ली का। हमने सोचा इनके नाम के साथ इतने चेंजेस हो रहे हैं, कीथ ली से कीथ बियर कैट ली किया, फिर बियर कैट ली ही कर दिया, हमें लग रहा था कि आगे जाके बियर कैट हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ कैट ही रह जाएगा, लेकिन वो टाइम WWE ने आने नहीं दिया और कीथ ली को भी WWE ने अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है आज। और ये दो सुपरस्टार तो मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थे। नेक्स्ट सुपरस्टार हैरी स्मिथ, मिया यिम, ईवा मरी। तो अगर आप बहुत टाइम से आस लगा रहे थे कि WWE के इतने ज्यादा सुपरस्टार रिलीज किए जा रहे हैं, इनको WWE रिलीज क्यों नहीं कर रही है, इनकी तो इतनी अच्छी माइक्रोफोनिक स्किल्स है, रेसलिंग स्किल्स है, फिर इनको WWE रिलीज कर क्यों नहीं रही है, तो लोग कर दिया उन्होंने रिलीज। आई नो कि हम सब उनका ही नाम लेते रहते थे कि इन्हें WWE रिलीज करती क्यों नहीं है, लेकिन अब जब रिलीज कर दी तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है। और जो लास्ट सुपरस्टार का नाम बचा है लिस्ट में, वो नाम कोई और नहीं बल्कि है नाया जैक्स का। और ये भी काफी ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि WWE नाया जैक्स को भी रिलीज कर सकती है, पर रिसेंट रिलीजेस देखते देखते इतना तो हमें माइंडसेट अपना बना लेना चाहिए कि WWE में कोई भी रिलीज हो सकता है। बस टॉप कार्ड के कुछ 5-10 सुपरस्टार्स के नाम अपने दिमाग में रख लो, इनको छोड़ के कोई भी रिलीज हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमने ये भी न्यूज सुनी थी कि WWE ने अपने वाइस प्रेसिडेंट या समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो कि 15 साल से WWE में काम कर रहे थे, उन्हें भी WWE ने रिलीज कर दिया, तो कोई भी सेफ नहीं एक तरह से। ये जो WWE का लेटेस्ट रिलीज है ये इसलिए भी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेल रहा है क्योंकि WWE को अपने 2021 के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ है। उन्होंने अभी अभी डिक्लेयर किया था कि उनको रेवेन्यू में इंक्रीज मिला है, और WWE के 2021 के थर्ड क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो था 255.8 मिलियन, जो कि पिछले क्वार्टर से 15% इंक्रीज था, और ये अमाउंट अप्रोक्सीमेटली था $34.2 मिलियन। इन रिलीजेस में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स भी हैं जिनके लिए रिलीज का रीजन ये बताया जा रहा है कि वो अनवैक्सीनेटेड थे, इसलिए WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया, और उनमें से एक नाम तो नाया जैक्स का है और कुछ और नाम भी स्पेकुलेट हो रहे हैं, जैसे कि स्कारलेट बॉर्डेक्स और कैरियन क्रॉस। और बाकी सुपरस्टार्स के रिलीज होने का रीजन तो आपको पता ही है, WWE ने हमेशा की तरह रीजन दिया है बजट कट्स। अभी अभी उनका रेवेन्यू इतना ज्यादा बड़ा है और बजट कट्स के चलते उन्होंने कई सारे WWE सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। पता नहीं कौन से आइंस्टाइन्स बिठा के रखे WWE ने अपने बैक स्टेज में, और पूरा प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड इन रिलीजेस पर रिएक्शन दे रहा है। और ये कुछ ट्वीट्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि अलग अलग सुपरस्टार्स ने इन रिलीज हुए सुपरस्टार्स के लिए किए हैं। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि रिलीज हुए सुपरस्टार्स ने WWE से रिलीज होने के बाद क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि काफी सारे सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं, उनमें से कुछ सुपरस्टार्स ने तो अपने रिएक्शन दे भी दिए हैं, लेकिन मैं उस वीडियो को तभी लेकर आऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में उस वीडियो की डिमांड करोगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, नहीं चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रेसल फैमिली में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।